क्वेश्चन नंबर थ्री हमें दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ हिज सन इज 70. इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95. तो और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज. तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी वाई. तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन हमें दिया था सम ऑफ द फादर्स एज एंड द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन इज 70. तो हम इसे लिख सकते हैं फादर की एज एक्स है, ट्वाइस करना है क्या हमें सन की एज से, तो 2y हो जाएगा, इन दोनों का सम होगा 70 के इक्वल. तो ये अपना हो जाएगा इक्वेशन वन. फिर क्या दिया भाई, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95. तो ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के इफ वी डबल द एज ऑफ अ फादर, तो फादर की एज हो जाएगी 2x एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, तो उसके सन की एज रहेगी y, तो जो सम आएगा वो हमें होगा 95. तो ये हो गए हमारे दोनों इक्वेशन. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में से एक पेयर सेम करेंगे. तो उसके लिए क्या करना है हमें, एक इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाय 2, तो न्यू इक्वेशन आ जाएगा अपने पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू वो जाएगा 140. जो ये हमारा इक्वेशन है वो है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95. अब अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3y, और 140 में से अगर 95 जाता है तो हमारे पास बचेगा 45. तो 3y इज इक्वल टू अपने पास बचा है 45, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 45 बाय 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15. अभी क्या कर सकते हैं हम, y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है अपना x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, y की वैल्यू हमें 15 पुट करनी है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70. तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 70, इसलिए x हो जाएगा अपना 70 माइनस 30, तो x इज इक्वल टू 40. x एंड y की हमारे पास वैल्यूज आ गई है, इसलिए द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years and present age of his son is 15 years. Question number 4 हमें दिया हुआ है, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator is reduced by 6. Find the fraction. अब क्या कर सकते हैं हम, पहले सपोज करते हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन
be X and the denominator of a fraction be y. तो हमारा फ्रैक्शन एक्चुअल में हो जाएगा x एंड बाय x डिवाइड बाय बाय y. अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है? फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर है अपना y, तो y इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर है अपना x, उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x और उससे 4 ज़्यादा यानी कि 2x प्लस 4 हो जाएगा ये. इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1. सेकेंड जो कंडीशन दी गई है, सेकेंड कंडीशन है अपनी डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 6. तो अगर फ्रैक्शन अपना हम ऐसे लिखते हैं x अपॉन y, तो उसमें से अगर हम 6 रिड्यूस करते हैं, x से भी 6 रिड्यूस, y से भी 6 रिड्यूस, तो फ्रैक्शन अपना 1/12 हो जाएगा. इसे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 6 इज इक्वल टू y माइनस 6. इसे अगर हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 12x माइनस 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 हो जाएगा 90, 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12 90, कर लेते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन, 12 इंटू 6 ये होगा 6, 12 कैरी 1 और ये होगा 72. तो ये हो जाएगा अपना माइनस 72 इज इक्वल टू वाई माइनस 6. तो ये हो जाएगा 12x माइनस y इज इक्वल टू ये माइनस 6 और प्लस 72 इधर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 12x माइनस y इज इक्वल टू, इसमें से अगर ये रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 66. ये अपना हो जाएगा इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं. तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करें तो ये 12x माइनस y इज इक्वल टू 66 और ये माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. हमें करने का एडिशन, एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा. यहाँ हमारे पास बचेगा 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4 हो जाएगा 70. तो x होगा अपना 70 by 10, x इज इक्वल टू 7. अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हम कोई भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर सकते हैं. पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 है अपना 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. हमें x की जगह पुट करने का है 7 प्लस y इज इक्वल टू 4. ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस y इज इक्वल टू 4, इसलिए y जो है वो हो जाएगा 4 प्लस 14, तो y की जो वैल्यू आएगी वो है 18. अब हमने x एंड y की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमें फाइंड करना है था फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या होगा अपना, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर हमने x सपोज किया है तो ये हो जाएगा x अपॉन y, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 18. क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, उसमें लिखा है टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी रिप्लेस टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स. यानी कि ट्रक जो है उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है 10 टन्स और उसमें दो टाइप के बॉक्स है ए एंड बी, वो हमें रखने हैं.
तो फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पर दी हुई है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन अ ट्रक इट वेट्स 10 टन। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द बॉक्सेस ऑफ ए बी एक्स एंड द बॉक्सेस ऑफ बी बी वाई, ये केजी में रहेगा अपना वैल्यू। तो फर्स्ट जो है वो क्या कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन में हमें यहाँ दिया है व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए यानी कि 150 इंटू एक्स प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी इज इक्वल टू 10 टन्स। लेकिन हमारा यहाँ पर एक्स एंड वाई में आ रहा है, यहाँ 10 टन्स में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाकर इसको केजीस में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 टन्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 10,000। हमारे पास ये आ गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकेंड कंडीशन है बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए यानी कि क्या हो जाएगा 260x प्लस यहां पर क्या लिखा है आर लोडेड इन अ ट्रक इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी प्लस 4y इज इक्वल टू 10,000। ये हो जाएगा, ये हमारा है इक्वेशन वन, ये है हमारा इक्वेशन टू। अब हम इन्हें सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन वन को अगर मैं देखूं तो मैं इसे थोड़ा सा तो छोटा कर सकता हूँ, मुझे वैल्यूज ज़्यादा बड़ी है तो क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूँ इसे तो ये इक्वेशन मेरा हो सकता है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसे अगर 50 से डिवाइड करता हूँ पहले तो ये जीरो कट हो जाएगा, 1000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा 200। वैसे ही अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो क्या कर सकता हूं मैं इसमें, इसको अगर कॉमन फैक्टर लेने का है मुझे कुछ, तो इसको अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूं, 20 से अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 13x प्लस 2y और इसे भी अगर 20 से डिवाइड करता हूं मैं तो ये हो जाएगा 500। तो मेरे जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हुए मैं उन्हें न्यू इक्वेशन का नाम देता हूँ 1 और 2। मैंने क्या किया, इन इक्वेशन को इजी फॉर्म में और मुझे ये सेम पैर चाहिए था उसके लिए मुझे मैंने इसे सॉल्व कर लिया। अब मैं इन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो 1 माइनस 2 करता हूँ मैं, तो 1 माइनस 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 और ये है 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। मुझे करना है सब्सट्रैक्ट, ये जो प्लस 2y और ये माइनस 2y ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 और ये माइनस 13 है तो ये बचेगा मेरे पास माइनस 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर 200 है मेरे पास, यहाँ पर माइनस 500 तो होगा माइनस 300। इसे अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस 10x और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 10x इज इक्वल टू 300 के इक्वल्स होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 300/10 तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 30। अब मैं क्या कर सकता हूं, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी देख लेता हूँ, 1 में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 है मेरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू 30 है तो 3 × 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200 होगा, ये हो जाएगा मेरा 30 × ये हो जाएगा मेरा 90, 3 × 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200 इसलिए मेरा 2y हो जाएगा 200 माइनस 90
तो 2y मेरा होगा 1 1 10, तो y हो जाएगा मेरा 1 1 10 by 2, तो y की आ जाएगी मेरी वैल्यू 55। अब आप ये देखोगे मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज तो आ गई है, और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। तो ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी वो, x जो बॉक्सेस है टाइप ए बॉक्सेस है, बॉक्सेस क्या वेट क्या हो जाएगा, टाइप ए बॉक्सेस का वेट हो जाएगा x के इक्वल, तो ये हो जाएगा मेरा 30 kg। और ये टाइप बी बॉक्सेस है जो उनका वेट होगा मेरा y के इक्वल, तो हो जाएगा ये 55 kg। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो क्या अज्यूम कर सकते हैं हम, पहले लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी एक्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन बी वाई। हमने अज्यूम तो कर लिया, अब क्या दिया है हमें आगे, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 70 km/h। इट टेक्स 5 years टू कम्प्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस विच आल ट्रेवल बाई द बस। तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हमें कंडीशन दी गई है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, यानी कि अगर x प्लस y इज इक्वल टू 1900 होगा हमारा, कि अगर विशाल बस और एरोप्लेन दोनों से ट्रेवल करता है तो टोटल 1900 किलोमीटर तक वो ट्रेवल करेगा, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन के लिए हमें थोड़ा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, बस ट्रेवल्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। तो एक्चुअल में हम देखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड के लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, वो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू, हमें टाइम का फॉर्मूला दिया हुआ है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब क्या करेंगे हम, टाइम हमारे पास है, बस का टाइम नहीं दिया हुआ है, टी वन है हमारा सपोज करेंगे, डिस्टेंस तो हमने ट्रेवल बाय बस एक्स लिया है, स्पीड हमें बस की दी हुई है एवरेज स्पीड 60 km/h, तो ये बस की स्पीड हो गई। अभी दी हम फाइंड करेंगे टी टू, यानी कि हो जाएगी हमारी एरोप्लेन की जो टाइम है वो, तो अभी देखेंगे एरोप्लेन में इसने y तक इसने ट्रेवल किया y किलोमीटर्स तक, और एवरेज जो स्पीड है वो हमें दी हुई है 700 km, तो ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू 700 km। अब हम देखेंगे तो हमें टोटल टाइम दिया हुआ है कि टोटल टाइम इन्हें इस ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लगता है 5 आवर्स, तो ये हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5। t1 है हमारा x बाई 60 और ये है हमारा y बाई 700 इज इक्वल टू 5। क्या कर सकते हैं हम इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा अपना 700x प्लस 60y अपॉन 42000 इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 210000। अब हमारे पास ये आ गया इक्वेशन 2, हम क्या कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम पैर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
बाई 60 ताकि हमें एक सेम पैर मिल जाए। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा 60x प्लस 60y इज इक्वल टू 1900 को हम 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हमारा 1900 मल्टीप्लिकेशन 60 से करने का है। ये होगा ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, ये 9 into 6 हो जाएगा अपना 54। तो ये 4 कैरी 5, ये 6 और ये 11, तो ये आएगी हमारा 1,14,000। और इसमें से हम ये इक्वेशन को अगर माइनस करते हैं 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 2,10,000। अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वैल्यूज तो नेगेटिव हो जाएगी, प्लस 60xy और माइनस 60y कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ, हमारे पास बचेगा माइनस 640x इज इक्वल टू 2,10,000 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हमारे पास बचेगा यहाँ 96,000। तो माइनस और माइनस कैंसिल, 640x इज इक्वल टू 96,000। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 96,000 डिवाइड बाई 640। तो ये अगर कट होएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150। अब क्या कर सकते हैं हम, पुट x इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपना x प्लस y इज इक्वल टू 1900, x की वैल्यू हमें 150 पुट करनी है, तो 150 प्लस y इज इक्वल टू 1900 होगा, इसलिए जो y होगा वो होगा 1900 माइनस 150, तो y होगा 1750। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस हो जाएगा अपना 150 किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इज 1750 किलोमीटर।